हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुकेश शुक्ला है और मैं आप सभी लोगों का आज फिर से स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल मुकेश शुक्ला एजुकेशन हब में। तो बच्चों, आज जो मेरा ये लेक्चर है, ये वीडियो है, ये क्लास सिक्स से लेके क्लास टेंथ तक के सभी बच्चों के लिए है। जो बच्चे इंग्लिश ग्रामर में अपने आप को स्टार्ट करना चाहते हैं, जो बच्चे इंग्लिश ग्रामर में स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो बच्चों, यहां पर मैं सिक्स से लेके और टेंथ तक की सारी चीजों को कवर करूंगा, सारी चीजों को कवर करेंगे कि इनमें क्या क्या चीजें हमें देखा जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंग्लिश ग्रामर, देखो बच्चों, सबसे पहले बच्चे एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं ग्रामर की स्पेलिंग लिखने में। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि ग्रामर की स्पेलिंग GRAMMER। तो बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहां पर कभी भी बच्चों ER नहीं होता है, यहां पर क्या लिखा जाता है AR। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ग्रामर की स्पेलिंग, तो यहां पर क्या होता है AR। तो हमेशा के लिए हमें ध्यान रखना है कि इंग्लिश ग्रामर की स्पेलिंग में क्या हो गया, GRAMMER। आगे हम स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं ग्रामर की परिभाषा क्या है। ग्रामर की परिभाषा देखिए, ग्रामर को क्या कहते हैं, व्याकरण। ग्रामर को क्या कहेंगे, GRAMMER। ग्रामर को क्या कहते हैं, व्याकरण। इसको क्या कहेगा, व्याकरण। तो जैसे हिंदी में हम देखते हैं, हिंदी में हमारे पास व्याकरण रहती है, संस्कृत में देखते हैं संस्कृत की व्याकरण रहती है, हम उर्दू देखें उर्दू की भी क्या रहती है, व्याकरण रहती है। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश की भी क्या रहती है, ग्रामर। तो बच्चों ग्रामर क्या है, तो ग्रामर एक ऐसी कला है, ग्रामर एक ऐसी कला है जिससे हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं या बोल सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना है, पढ़ना है या बोलना है, तो हमें उसकी ग्रामर अच्छे से आनी चाहिए। चाहे आप हिंदी की बात करो, चाहे आप संस्कृत की बात करो, चाहे आप इंग्लिश की बात करो। तो पहले ग्रामर की परिभाषा देखते हैं। तो क्या है, इट इज एन आर्ट। ये क्या है, एक आर्ट है या एक कला है, विच हेल्प्स अस, जो हमारी मदद करती है, विच हेल्प्स अस टू रीड राइट एंड स्पीक, रीड राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज प्रॉपरली। तो यदि आपको किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना है, पढ़ना है, बोलना है, तो सबसे पहले उसका आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, उसका ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। जैसे हिंदी बोलनी है तो हिंदी की व्याकरण आपको आनी चाहिए, संस्कृत बोलनी है तो संस्कृत की व्याकरण आपको आनी चाहिए, उर्दू बोलनी है तो आपको उर्दू की व्याकरण आपको आनी चाहिए, इंग्लिश अगर आपको बोलना है तो इंग्लिश की व्याकरण आनी चाहिए। तो ग्रामर क्या है, एक ऐसी कला है जो आपको किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना या बोलना सिखाती है। तो ग्रामर इज एन आर्ट विच हेल्प्स अस टू रीड राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज प्रॉपरली। इसके बिना आप लैंग्वेज बोल तो सकते हो लेकिन सही ढंग से नहीं बोल सकते हो। चलते हैं, अब हम इससे और आगे चलते हैं, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम स्टार्ट करते हैं, पहले इंग्लिश में सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी क्या है, अल्फाबेट। तो देयर आर 26 अल्फाबेट। तो हमारे पास कितने अल्फाबेट है इंग्लिश में, 26। हमारे पास कितने अल्फाबेट हो गए, 26 अल्फाबेट। तो इंग्लिश में हमारे पास कितने हो गए, 26 अल्फाबेट। हम सभी लोग जानते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इनको हमने दो हिस्सों में बांटा, इसको हमने दो हिस्सों में बांटा, वॉवेल और दूसरा किसमें बांटा, कॉन्सोनेंट। वॉवेल और कॉन्सोनेंट, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, स्वर, और इसको क्या कहते हैं, व्यंजन। स्वर और इसको क्या कहेंगे, व्यंजन। हमें पता है स्वर में क्या आता है, इंग्लिश में AEIOU, और यहां पर क्या हो गए, रेस्ट 21, जो बचे हुए और 21 हो गए उनको क्या कहा जाता है, कॉन्सोनेंट। तो बच्चे सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं कि क्यों हमने AEIOU को ही स्वर यानी वॉवेल कहा। तो AEIOU 26 थे ना, सिर्फ आपने सिर्फ AEIOU को ही क्यों अलग किया, तो इसके पीछे दो रीजन, मैं पहला रीजन बताता हूं। देखिए आप ए निकालिए, देखिए जो इसको प्रोनाउंसिएशन करके और इसको समझने वाले लोग थे उन्होंने बुद्धि लगाई, क्या बुद्धि लगाई, हम ए बोलते हैं, देखिए ए में जो ध्वनि निकलेगी या जो हवा निकलेगी मुंह से वह बिना किसी रुकावट के निकलेगी, ए।
अब बी बी बोलिए तो बा पहले ही अवरोध हो गया, बी सी सी में देखिए अवरोध आ रहा है, डी डी डा में भी अवरोध आ रहा है, ई ई में कोई अवरोध नहीं आएगा। तो जिन अल्फाबेट्स का उच्चारण करते समय ध्वनि या वायु का अवरोध ना हो, यानी हमारा जो स्वर निकल रहा है या जो हमारी जो साउंड निकल रही है उस साउंड में कोई भी ऑब्स्टेकल ना हो, कोई अवरोधक ना हो, यदि कोई ऑब्स्टेकल नहीं है तो जो हमारी ध्वनि है, जो हमारा साउंड है वो प्रॉपर निकलेगा। तो जिनमें साउंड प्रॉपर निकले उनको क्या कहा गया, स्वर। और जिनमें कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, कहीं पर रुकावट आ जाती है, उनको सबको क्या कहा गया, कॉन्सोनेंट। तो पहला इस बिहाफ पर बांटा गया, ए कोई रुकावट नहीं, बी रुकावट, सी रुकावट है, डी रुकावट है, ई कोई रुकावट नहीं है। तो जिनमें रुकावट है उनको क्या कहा गया, कॉन्सोनेंट। यानी किसी भी अक्षर का उच्चारण करते समय अगर जीव और ओठ में रुकावट आ रही है तो उनको क्या कहा गया, कॉन्सोनेंट। अगर रुकावट नहीं आ रही है, सीधा हमारी ध्वनि निकल रही है, तो उनको क्या कहा गया, वॉवेल। या इसको एक और प्रकार से बांटा गया हिंदी के हिसाब से, जैसे ए, यदि मैं ए का उच्चारण करूं तो ए ए ऐसे ही मेरा निकल रहा है। तो अगर हिंदी में देखिए तो हिंदी में क्या है, स्वर। तो जब हम ए का उच्चारण करें और ए के उच्चारण से जो ध्वनि निकले वह हिंदी में स्वर की हो तो भी उसको क्या कहा जाता है, इंग्लिश का वॉवेल। अगर मैं बी निकालूं, बी, तो बी में क्या निकल रहा है, बा और ई, तब तो बी बनेगा, बा और ई। तो बा क्या है, या हिंदी का व्यंजन है। तो जब हिंदी का व्यंजन है तो बी इंग्लिश का भी वॉवेल नहीं हो सकता है, इंग्लिश का भी वॉवेल नहीं होगा। तीसरा देखते हैं सी, तो सी में सा और ई, तो जब सा हिंदी का व्यंजन है तो सी इंग्लिश का भी स्वर नहीं हो सकता है, ई लेते हैं, ई ई देखिए, ई ई। तो इसमें दोनों ही जो ध्वनि निकली है वह क्या निकली है, हिंदी के स्वर की निकली है, हिंदी के स्वर की निकली है। तो इंग्लिश में भी ई जो है वह वॉवेल कहलाएगा। तो वॉवेल और कंसोनेंट को बांटने के लिए हमने दो तरीका देखा, एक ध्वनि के अवरोध, ध्वनि का अवरोध यानी साउंड का ऑब्स्टेकल। यदि साउंड में किसी भी प्रकार से कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है तो वह कॉन्सोनेंट कहलाएगा, यदि साउंड में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आ रहा है तो वह वॉवेल कहलाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज हमने क्या देखा, जैसे अगर आप ए, ए को अगर आप प्रोनाउंसिएट करते हो, प्रोनाउंसिएट करते समय आपको क्या मिले, ए यानी ए मिला ना, तो हिंदी का स्वर है, हिंदी का स्वर है, देन वी कैन से दैट इट इज द वॉवेल ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश का भी एक वॉवेल ही होगा। यहीं पर देखो बी, बी में बा ई, बा क्या है, इंग्लिश का हिंदी का व्यंजन है, तो इंग्लिश में भी बा जो है वो, बी जो है वो कभी भी स्वर नहीं हो सकता, यानी वॉवेल नहीं हो सकता, कॉन्सोनेंट होगा। तो हम ध्वनि के उच्चारण के आधार पर भी हमने स्वर और व्यंजन को अलग अलग बांटा। तो सबसे पहले हमने समझा इंग्लिश के जो 26 अल्फाबेट थे, इन 26 अल्फाबेट को दो हिस्सों में बांटा गया, एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट। वॉवेल हमारा क्या कहलाएगा, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट हमारे क्या कहलाएगा, रेस्ट 21। तो अब अल्फाबेट से बढ़कर हमारा क्या बनता है, अब अल्फाबेट से मिलाकर तो वर्ड बनेगा, क्या बनेगा, वर्ड। तो इसको क्या कहा गया, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग। तो अल्फाबेट का वह समूह, अल्फाबेट का वह समूह जिसका संपूर्ण मतलब हो, जिसका कोई मीनिंग हो। जैसे अगर मैं एक्स वाई जेड लिख दूं तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, हाँ ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। वहीं पर दूसरी जगह मैं लिख दूं एप्पल, एप्पल, तो ये भी मेरा क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट है लेकिन इसका मीनिंग है। तो यदि इसका मीनिंग है, यदि इसका मीनिंग है तो ये क्या कहलाएगा, वर्ड। तो वर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग। तो ऐसे अल्फाबेट का वह समूह जिसका कोई मतलब हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, वर्ड। वर्ड से और आगे अगर हम चलते हैं अब हमारा वर्ड से मिलाकर क्या बनता है, सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज। यहां पर तीन चीजों को हम समझेंगे, सॉरी
सेंटेंस फ्रेज और तीसरा हमारा क्या होता है क्लॉज, तीनों ही क्या है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तीनों ही क्या कहलाता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन यहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब इन तीनों का यहां पर खेल है, तो ये तीनों ही क्या कहलाए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट मीनिंग कंप्लीट सेंस, विच हैज कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग एंड कंप्लीट सेंस, एंड कंप्लीट सेंस वो क्या कहलाता है सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या कहलाएगा, सेंटेंस क्या कहलाएगा वर्ड का वह समूह, वर्ड का वह समूह जिसकी कंप्लीट मीनिंग हो और कंप्लीट सेंस हो, जैसे कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। तो यहां पर क्या देखा गया राम इज ए गुड बॉय में क्या देखा गया, इसका ये क्या है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसकी कंप्लीट मीनिंग भी है और इसका कंप्लीट सेंस भी है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट मीनिंग एंड कंप्लीट सेंस इट इज कॉल्ड एज सेंटेंस। सेंटेंस में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आगे सब्जेक्ट होना चाहिए, बीच में वर्ब होना चाहिए और लास्ट में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। वेयर एज अब हम बात करते हैं फ्रेज और क्लॉज, फ्रेज को क्या कहते हैं उपखंड, उपखंड और इसको क्या कहेंगे उपवाक्य, उपवाक्य। तो फ्रेज और क्लॉज बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेज और क्लॉज, मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूं। मैं एक सेंटेंस लेता हूं, देखिए देयर आर, एक सेंटेंस लेते हैं देयर आर 60 स्टूडेंट इन द क्लास, देयर आर 60 स्टूडेंट इन द क्लास, देयर आर 60 स्टूडेंट इन द क्लास हु लाइक टी, हु लाइक टी, हु लाइक टी। देखिए इसको अगर मैं पूरा पढ़ूं तो ये मेरा क्या कहलाएगा सेंटेंस, यदि मैं इसको पूरा पढ़ूं तो ये मेरा क्या कहलाएगा सेंटेंस, क्योंकि इसकी एक मीनिंग है, इसका एक सेंस है, इसमें सब्जेक्ट है वर्ब है ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरा क्या कहलाएगा सेंटेंस। लेकिन अगर इसमें मैं दो चीज अलग करता हूं, एक मैं इन द क्लास इसको अलग करता हूं और हु लाइक टी इसको अलग करता हूं, इन द क्लास क्या कहलाएगा फ्रेज, इन द क्लास क्या कहलाएगा फ्रेज, इन द क्लास क्या कहलाता है फ्रेज। अब मैं बात करता हूं फ्रेज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड है विच डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रॉपरली डिफाइंड। इसमें क्या होगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब प्रॉपरली डिफाइन नहीं होगा। तो फ्रेज में क्या लिखूं नो सब्जेक्ट नो ऑब्जेक्ट नो वर्ब, और कोई भी चीज प्रॉपरली डिफाइन नहीं होगी, कोई भी चीज प्रॉपरली डिफाइन नहीं होगी और इसका कोई सेंस भी नहीं होगा, बस इसका मीनिंग होगा। जैसे कक्षा में, तो कक्षा में ठीक है लेकिन अब कक्षा में क्या कुछ पता नहीं है हमें, तो जहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब डिफाइन प्रॉपरली ना हो, मीनिंग हो लेकिन सेंस ना हो, तो उसे क्या कहा जाता है फ्रेज, उसे क्या कहा जाता है फ्रेज। तो जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब प्रॉपरली डिफाइन हो और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब प्रॉपरली डिफाइन हो, मीनिंग हो सेंस हो, वो क्या कहलाएगा सेंटेंस। जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब प्रॉपरली डिफाइन ना हो, मीनिंग उसका होगा लेकिन सेंस उसका नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा हमारा फ्रेज, वो हमारा क्या कहलाएगा फ्रेज। हालांकि ग्रुप ऑफ वर्ड ये भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड ये भी है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब प्रॉपरली डिफाइन है, मीनिंग है और सेंस है। यहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब प्रॉपरली डिफाइन नहीं है, मीनिंग है लेकिन सेंस नहीं है। अब हम चलते हैं क्लॉज, हु लाइक टी, देखिए यहां पर सब्जेक्ट है, ये क्या कहलाएगा क्लॉज, यहां पर सब्जेक्ट है यानी जिन्हें चाय पसंद है, तो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी प्रॉपरली डिफाइन है, वर्ब भी प्रॉपरली डिफाइन है, तो सब्जेक्ट भी डिफाइन है, ऑब्जेक्ट भी डिफाइन है, वर्ब भी डिफाइन है, लेकिन सेंस क्लियर नहीं है। जैसे मैं यहां पर बात करूं जिन्हें चाय पसंद है, अब किन्हें चाय पसंद है नहीं पता ना, तो देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब तीनों रहेगा
लेकिन उसका सेंस क्लियर नहीं होगा कि किसके बारे में बात की जा रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लॉज। तो एक ही मैंने सेंटेंस में तीनों चीजें कवर किया कि सेंटेंस क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब तीनों होगा, प्रॉपर मीनिंग होगा, प्रॉपर सेंस होगा, वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस। फ्रेज में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब प्रॉपरली डिफाइन नहीं होगा, मीनिंग होगा लेकिन सेंस क्लियर नहीं होगा। क्लॉज की बात करें, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब तीनों डिफाइन है लेकिन इसका सेंस क्लियर नहीं, किसके बारे में कहा जा रहा है ये बातें बिल्कुल क्लियर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब तीनों है, सेंस नहीं है, मीनिंग भी होती है। तो देखो, हु लाइक्स टी, अब किन्हें चाय पसंद है ये नहीं पता है, बस ये नहीं पता है, बाकी इसकी मीनिंग भी है, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब भी प्रॉपरली डिफाइन है। तो बच्चों, हमने यहां देखा सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, क्लॉज के बारे में अभी बहुत डिटेल है, लेकिन अभी हम ये लोग 6th से 10th के भी ऑफर बता रहे हैं, इसलिए इतना बताएंगे। आगे हम और वीडियोस देखेंगे, उसमें मैं क्लॉज को अच्छे से डिफाइन करूंगा कि क्लॉज कितने प्रकार